एवरीवन, उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। आई एम कृतिका शर्मा एंड वेलकम टू आवर चैनल। स्टूडेंट, जैसे कि आपको पता है, हमने सीरीज स्टार्ट की है 1000 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ ए बायोलॉजी। अब आप सोचोगे कि ये क्या है। देखो, इसमें हम 11 एंड 12 क्लास के कंप्लीट जो आपके क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस करेंगे। अब आप सोचोगे कि एक ही चैप्टर के इतने क्वेश्चंस होते हैं, तो 1000 क्वेश्चन में कैसे पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए, हमने यहाँ पे जैसे कि आपको कोई ऐसा टॉपिक वाइज क्वेश्चन बनाए हैं, एक टॉपिक एक क्वेश्चन और उसकी एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। इसके थ्रू हमने पूरे मैक्सिमम टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट करने की कोशिश की है। और ये सीरीज़ बेनिफिट होने वाली है जो भी नीट HP टैट मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं, PGT की तैयारी कर रहे हैं, या कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम जिसमें कि बायोलॉजी आती है, उस सब के लिए ये सीरीज़ बहुत ही बेनिफिट होने वाली है। हर टॉपिक को आप डिटेल में पढ़िएगा, जो भी मैं आपको करवा रही हूँ, हर पॉइंट को, मेरे पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। आप इजीली, आपको ये मदद मिलेगा इससे कोई भी टेस्ट क्रैक करने के लिए। सो, एक और इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमने HP टैट मेडिकल का कोर्स स्टार्ट किया है। अगर किसी ने ज्वाइन करना होगा तो नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर किसी को नोट्स चाहिए, अगर कोई टेस्ट सीरीज़ ही ज्वाइन करना चाहता है टैट के रिगार्डिंग जो स्पेसिफिक होती है, तो उसके लिए भी आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जो कि नीचे दिए गए नंबर पर आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ऑलरेडी हमने इसके क्वेश्चन कर ली है 375। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 376। तो अब इसमें क्या आता है, चलिए डिस्कस करते हैं। ब्लड वेसल कैरी ब्लड हर्ट टू बॉडी। कौन सी ब्लड वेसल मदद करती है हर्ट टू बॉडी तक ब्लड पहुंचाने में। सो, देखेंगे। देखो, ये है ब्लड वेसल, यहाँ पे माना आपका हर्ट आता है। तो ये आ गया आपका लेफ्ट साइड, ये आ गया राइट साइड। तो राइट साइड से जो आपका ब्लड निकलता है लेफ्ट साइड से, तो वो आता है आपका, क्या बोलते हैं हम इसको, थ्रू आर्टरीज। तो ब्लड वेसल आर्टरीज मदद करती हैं, और जो ब्लू कलर है, यानी इसका मतलब है डीऑक्सीनेटेड। ये वापस, देखो, ये आ रहा है हर्ट से ब्लड, और ये फिर वापस जाएगा डीऑक्सीनेटेड होके वेन्स के थ्रू कहाँ तक, हर्ट तक। तो ये ब्लड वेसल्स मेनली आती है एक आ की आपकी आर्टरीज, वेन्स एंड कैपलरीज, बीच में छोटी छोटी, जो कि मदद करते हैं आगे फ्लो को। नेक्स्ट आप एक और पिक्चर में इसमें देख सकते हो कैसे ब्लड जा रहा है। ब्लू कलर की जो लाइंस हैं, रेड कलर की जो लाइंस हैं सारी, उसमें आप देखोगे कि मतलब कैसा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और जो रेड कलर की है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। तो ऐसे ये ब्लड कैरी होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब एक टॉपिक का मतलब वो जो वेसल्स था, तो वही क्वेश्चन बनता था। अब नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट आता है ट्यूनिका एडवेंटिशिया अदर नेम। तो ट्यूनिका एडवेंटिशिया अदर नेम किसका है, तो समझेंगे पहले ये क्या होती है। ये आता है आपका, जैसे कि आपकी आती हैं ब्लड वेसल्स, तो ब्लड वेसल्स आती हैं, आपको पता है एक आर्टरीज आती है, एक वेन्स आती है। आर्टरीज कैरी करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड वेन्स कैरी करती हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो जो आर्टरीज कैरी करती हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड, सो आप देखोगे ये जो आर्टरीज हैं, इसमें तीन लेयर्स आती हैं दोनों में ही, एक बाहर वाली एक्सटर्ना, ठीक है, बीच में मीडिया, और अंदर वाली इंटरना, उसके अंदर ल्यूमन होता है। दोनों में ही सेम है, बट इन दोनों में मेन डिफरेंस रहता है, कि जो ट्यूनिका इंटरना है वो तो अंदर को आ गई। ट्यूनिका मीडिया की बात करें तो ये आर्टरीज में ज़्यादा डेवलप होती है, जबकि वेन्स में कम डेवलप होती है। और अगर हम वेसल्स की बात करें, मतलब वेन्स की बात करें, तो इसमें आउटर जो रहती है वो मोस्ट, मतलब बोल सकते हो वेन की जैसे कि डेवलप होती है, ठीक है, लेस डेवलप होती है आर्टरीज में एंड वेन में एक्सटर्ना, ठीक है। इंटरना किस में वेल डेवलप होती है, मीडिया होती है डेवलप बेस्ट इन आर्टरीज, एंड एक्सटर्ना होती है बेस्ट डेवलप इन वेन्स। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि आर्टरीज में कौन सी वेल डेवलप होती है, मीडिया, और कौन सी लेस डेवलप होती है, एक्सटर्ना।
तो अभी हमसे नाम पूछ रहे थे कि ट्यूनी एडवेंटिशिया का नाम क्या है। तो ट्यूनिका एडवेंटिशिया का नाम है ट्यूनिका एक्सटर्ना। तो एक्सटर्ना डेवलप होती है वेसल वेन्स में ज़्यादा एंड आर्टरीज में लेस डेवलप रहती है। सो ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू इनमें से सारे ही आते हैं, बोन्स भी, ब्लड्स भी आते हैं, बोन्स भी आती हैं एंड कार्टिलेज भी आती हैं, पर नन ऑफ दिस इसमें ऑप्शन में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फ्लूइड मीडियम ऑफ ए ब्लड। सो आप देखोगे ये माना आर्ट वेसल्स है, ब्लड वेसल। ठीक है, तो ब्लड वेसल में ये पानी, जैसे कि पानी में आप नमक चीनी ये घोल डाल रहे हो, नींबू का घोल डाल रहे हो, तो पानी क्या है? फ्लूइड मीडियम। तो फ्लूइड मीडियम क्या आता है? तो आप देखोगे फ्लूइड मीडियम में देखो ये है पानी, इसका प्लाज्मा, उसके अंदर RBC होती हैं, WBC होती हैं और ये प्लेटलेट्स होती हैं। पिक्चर में देखा, चीज़ें माइंड में रहती हैं। अगर आपको कोई टॉपिक नहीं समझ आ रहा कि कैसे लर्न करें, टफ लग रहा है, तो उन सब की आप पिक्चर्स देखो, गूगल पे जाइए, पिक्चर्स, अलग अलग पिक्चर्स आपको मिल जाएंगे। अलग अलग पिक्चर्स देखने से आपको उस चीज़ के बारे में क्लियरेंस ज़्यादा मिलती है, तो ये चीज़ ध्यान में रखना। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग RBC न्यूक्लिएटेड। किसके RBC न्यूक्लिएटेड होते हैं? देखिए जो RBC है इनका लाइफ टाइम कम होता है, तो वैसे तो क्यों होता है? क्योंकि न्यूक्लियस ही नहीं होता। अगर क्लास में कोई एक मतलब टीचर ना हो तो कोई बैलेंस नहीं रहेगा पूरी क्लास में, बट अगर टीचर हो तो वो पूरा स्टेबिलिटी बना के रखता है। तो RBC न्यूक्लिएटेड होती है किस में? कैमल में। हॉरो में अन्यूक्लिएटेड होती है। वही नेक्स्ट अगर क्वेश्चन आता है कि अगर RBC का जो काउंट है अगर वो डिक्रीज हो जाए तो क्या होगा? तो वन बाय वन सारे पॉइंट्स को करते हैं। देखो ल्यूकोपेनिक WBC का पॉइंट डिक्रीज होता है, ल्यूकेमिया WBC इंक्रीज होता है, ब्लड कैंसर भी बोलते हैं, एनीमिया में RBC काउंट डिक्रीज होता है, खून की कमी हो जाती है, तो आता है पॉलीसाइथीमिया इंक्रीज RBC। तो देखो चार ऑप्शन चार क्वेश्चन कंप्लीट, साथ में इससे रिलेटेड जो भी पॉइंट बनते हैं वो भी हमने कंप्लीट किए। नेक्स्ट, ग्रेवयार्ड ऑफ ए RBC, मतलब जब RBC मर जाता है तो उसके बाद कहाँ जाता है? तो उसको बोलते हैं ग्रेवयार्ड ऑफ ए RBC, जो कि है स्प्लेन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए पार्ट ऑफ ए ग्रेनुलोसाइट। कौन सा ग्रेनुलोसाइट का पार्ट नहीं है? तो सबसे पहले पढ़ेंगे कि ग्रेनुलोसाइट होता क्या है। ग्रेनुलोसाइट WBC के अंदर आता है। तो देखेंगे ये आता है दो टाइप्स के, ग्रेनुलोसाइट, अग्रेनुलोसाइट। नॉट ए पार्ट ऑफ ए ग्रेनुलोसाइट पूछा है। तो याद रखना जो भी पॉइंट मैं बता रही हूँ ये सारे ही इंपॉर्टेंट है। तो देखो ग्रेनुलोसाइट तीन टाइप्स का आता है, न्यूरोफिल, ओइसोफिल जिसे कि हम एसिडोफिल के नाम से भी जानते हैं, एंड फिर आता है बेसोफिल्स। इन सब का क्या काम है? देखिए न्यूरोफिल्स होता है 60-65% और इसका काम होता है सॉलिडियर फैगोसिटी की तरह ये बिहेव करता है। वहीं हम बात करें ओइसोफिल, ओइसोफिल को एसिडोफिल भी बोलते हैं, एलर्जी के लिए, एंटी एलर्जी के लिए काम करता है। फिर आता है बेसोफिल, 0.5-1% होता है, हेपरिन एंड हिस्टामिन सिक्रीट करता है, मतलब उसकी फॉर्मेशन में मदद करता है, उसको कैरी करता है। अब हेपरिन एंड हिस्टामिन क्या है? हेपरिन एंड हिस्टामिन होता है जो कि ब्लड क्लॉट अंदर नहीं बनने देता है, उसमें मदद करता है, ठीक है, जो कि लीवर के द्वारा फॉर्म होता है। तो हेपरिन, देखो बाहर क्लॉट बने तो अच्छा है क्योंकि खून बहता रहेगा तो दिक्कत हो जाएगी, बट अंदर क्लॉट बन रहा है तो ये प्रॉब्लम वाली बात है, ठीक है, वो अच्छा नहीं है। तो हम बात करें आपकी बेसिडोफिल्स की, हेपरिन हिस्टामिन। अब आता है अग्रेनुलोसाइट, अग्रेनुलोसाइट लिम्फोसाइट आता है आपका 20-25%,
एंटीबॉडीज़ होती हैं, मतलब अगर कोई आपके अंदर अनहाइजेनिक बैक्टीरिया वायरस चला गया तो उससे लड़ने के लिए रोल प्ले करता है बेसोफिल्स, सॉरी लिम्फोसाइट्स। अब हम बात करें मोनोसाइट की, तो मोनोसाइट स्क्वेंजर की तरह बिहेव करता है, 6-8% ये होता है। हर पॉइंट को आपको देखना है, समझना है। अगर आप वीडियो को एक दो बार देख लेंगे तो माइंड में चीज़ें रहती हैं, सो हमें पता होना चाहिए चीज़ों के बारे में। देखिए लाइफ स्पैन, मतलब अभी मैंने आपको बताया था कि लाइफ टाइम आरबीसी का इतना नहीं होता, तभी तो अननूक्लेटेड है, न्यूक्लेटेड होता तो शायद ज़्यादा होता। तो लाइफ टाइम आरबीसी का होता है 120 डेज। कितना होता है? 120 डेज। देखिए जब भी आप वीडियो को देख रहे हो तो वीडियो को पॉज करके आंसर दीजिएगा, आंसर के साथ साथ सारे ऑप्शन के बारे में भी डिस्कस कीजिएगा, तभी आपके माइंड में बातें रहेंगी। जब एक टॉपिक का कनेक्शन दूसरे टॉपिक से बनाएं तो चीज़ें आपको याद होती हैं। अब आरबीसी तो आ गया, डब्ल्यूबीसी का लाइफ टाइम कितना होता है? ये होता है 3-4 डेज। अब नेक्स्ट आता है ब्लड ग्रुप डिस्कवर्ड बाय, किसने ब्लड ग्रुप डिस्कवर किया था? तो ब्लड ग्रुप डिस्कवर किया था लैंडस्टेनर ने, यानी ऑप्शन ए करेक्ट है। और ऑप्शन के बारे में भी देखते हैं, कार्ल कॉफ स्फैग्मोमैनोमीटर डिस्कवर किया था। फिर आते हैं इंथोवेन, इंथोवेन ने किया था ECG इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम, विच स्टेटमेंट ट्रू रिगार्डिंग ए AB ब्लड ग्रुप। यू नो व्हाट, कि हमारी बॉडी में ब्लड ग्रुप्स होते हैं AB, AB O, तो अब इनमें से कौन सा पॉइंट सही आता है AB ब्लड ग्रुप के बारे में? देखिए ब्लड ग्रुप आपको पता है चार टाइप्स के होते हैं, किसके बेसिस पे? एंटीजन एंड एंटीबॉडी के टाइप से। अगर किसी में एंटीजन ए है तो एंटीबॉडी बी होगी, तो ब्लड ग्रुप आ जाएगा कौन सा आ जाएगा, तो इसमें ब्लड टाइप ए आ जाएगा। और अगर हम ब्लड ग्रुप बी की बात करें तो ब्लड ग्रुप बी में बी एंटीजन होगा और एंटीबॉडी ए होगी, तब बी ब्लड ग्रुप आएगा। अगर किसी ग्रुप में AB एंटीजन है बट एंटीबॉडी नहीं है तो आ जाएगा AB ब्लड ग्रुप। और किसी में अगर एंटीजन नहीं है बट एंटीबॉडी होती है तो वो आता है ओ ब्लड ग्रुप। ओ ब्लड ग्रुप क्या है? यूनिवर्सल एक्सेप्टर, ठीक है। और सॉरी, हाँ, AB ब्लड ग्रुप है यूनिवर्सल एक्सेप्टर एंड ओ है यूनिवर्सल डोनर। तो ये चीज़ याद रखना, नो एंटीबॉडीज ओ में, एंड आपकी क्या प्रेजेंट होती है ब्लड ग्रुप में, ठीक है। तो एंटीबॉडीज प्रेजेंट है और एंटीजन नहीं है, एंटीजन नहीं है। और अगर हम AB की बात करें तो उसमें एंटीजन है और एंटीबॉडी नहीं होती है। तो यूनिवर्सल डोनर कौन सा आ जाता है? ओ, ठीक है, सबको दे सकता है, सब उसको ले सकते हैं। और यूनिवर्सल एक्सेप्टर सभी टाइप के ब्लड, ओ भी ले सकता है, AB ले सकता है, BB ले सकता है, हर किसी में एक बाउंड्री होती है। ओ से ही ले सकता है एक्सेप्टर, बाकी AB सबसे ले सकता है। तो ये देख सकते हैं कैसे आप टेस्ट रिज़ल्ट देख सकते हैं कि ए पॉजिटिव है, यानी एक इसमें रेड साइन आएगा, इनएक्टिव होगा तो ए आएगा। तीन टाइप से देखे जाएंगे, अगर फर्स्ट वाला आएगा मतलब तो बी पॉजिटिव आ जाएगा, अगर दो साइड वाले आएंगे तो नेगेटिव, तीनों नहीं होंगे तो AB पॉजिटिव, AB नेगेटिव जब एक प्रेजेंट होगा, ओ पॉजिटिव तब होगा जब दो लाइंस होंगी इकट्ठी फर्स्ट वाली, और तीनों ही होंगी तो ओ नेगेटिव। नेक्स्ट, विच विटामिन हेल्प इन ए ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन। आपको पता है विटामिन कोई हमें एनर्जी ये नहीं देती, बट अगर इनकी डेफिशिएंसी हो जाए तो प्रॉब्लम हो जाती है। सो क्या प्रॉब्लम होती है? तो अगर हम देखें विटामिन ए से हो जाती है नाइट ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम, आँखों से रिलेटेड प्रॉब्लम। फिर हम B1 की बात करें तो इसका नाम है थायमिन, और विटामिन ए का होता है रेटिनोल। अगर बेरी प्रॉब्लम होती है इससे। विटामिन B2 की बात करें, राइबोफ्लाविन, स्पैनिश मशरूम मिल्क में ये होता है।
स्किन की क्रैकिंग ऑफ स्किन होगी, रेडिश आईज हो जाएंगी। अगर B6 की बात करें तो इसी का साइंटिफिक नेम है पायरीडॉक्सिन। फिश, बीफ, लीवर, वेजिटेबल, एनीमिया की प्रॉब्लम होती है। फिर आता है नाइसिन, इसमें होती है फलग्रा की प्रॉब्लम। फॉलिक एसिड कम हो जाए तो मेगा ब्लास्टिन एंड प्रेग्नेंट बर्थ डिफेक्ट हो जाएगा। अगर पेंटाथोमिक एसिड का कमी हो जाएगा, प्री मेचर की प्रॉब्लम आ जाएगी, प्रीमेचर सिंड्रोम। फिर B12, अब ये क्वेश्चन भी आता है किस विटामिन में उसके एलिमेंट है, तो CO, कोबाल्ट होता है, ठीक है। परनीशियस एनीमिया होता है। अगर विटामिन सी की बात करें तो इसका नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। स्कर्वी की प्रॉब्लम होती है जिसमें कि ब्लीडिंग होती है गम से। अगर विटामिन डी की बात करें तो विटामिन डी में डेरी प्रोडक्ट मतलब प्रॉपर ना मिले उसकी वजह से होती है, रिकेटस प्रॉब्लम होती है। विटामिन ई की बात करें तो टोकोफिरोल इसका साइंटिफिक नेम है, तो रिप्रोडक्शन से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है। अगर हम बात करें विटामिन के की, फाइलोक्विनोन, इससे होती है ब्लड क्लॉट की प्रॉब्लम। तो देखो सारा चार्ट हमने किया, तो ये हर पॉइंट इसका इम्पॉर्टेंट है, कोई भी क्वेश्चन आ जाता है तो इसका ऑप्शन के। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लार्जेस्ट चैम्बर ऑफ द हर्ट, इनमें से कौन सा लार्जेस्ट चैम्बर है? तो पहले हर्ट देखेंगे। हर्ट के होते हैं 4 चैम्बर, राइट एंड लेफ्ट, ऑरिकल एंड वेंट्रिकल। देखो अब जो राइट साइड है, ये राइट साइड में आता है डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है और इसके में इधर चला गया, इधर से चला जाएगा लंग में, लंग से वापस आएगा ये, और ये गया लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल से बॉडी के हर पोर्शन में पहुंच जाएगा ब्लड। सो देखिए हर्ट एक ऐसा ऑर्गन है जो सबसे ज़्यादा पंप करता है। अदरवाइज और हर्ट पंप मतलब और कोई ऑर्गन है वो पंपिंग सिस्टम नहीं है उसमें, और ये भी बोल सकते हो आप कि सबसे बिजी ऑर्गन ह्यूमन बॉडी का आता है हर्ट। बाकी ऑर्गन इतने बिजी नहीं आते, क्योंकि देखो सांस लेना थोड़ी देर के लिए रुक सकता है, नेफ्रॉन ये फिल्ट्रेशन रोक सकते हैं, बट हर्ट एक सेकंड के लिए भी रुक गया तो हो जाती है डेथ। रियर हर्ट कुछ सॉरी क्वेश्चन पूछा था सबसे लार्जेस्ट चैम्बर, तो वो होता है लेफ्ट वेंट्रिकल, और हर्ट की कवरिंग को हम बोलते हैं पेरिकार्डियम। देखो ये आता है आपका रियल हर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन हर्ट, इसमें हर्ड लिख के है, हर्ट आना था, हर्ट डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरीड बाय, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड किसके थ्रू कैरी होता है? तो देखेंगे तो ये आता है सुपीरियर वेना केवा, ठीक है, फिर आ जाएगी इन्फीरियर वेना केवा बॉडी के निचली साइड से, कोरोनरी साइनस जो हर्ट की वॉल होती है वहाँ से। और अगर हम बात करें कोरोनरी साइनस की, इसकी ओपनिंग होती है वेल्व ऑफ थिबेशियस से, ठीक है। क्वेश्चन आपको कैसे भी आ सकता है, आंसर से क्वेश्चन, क्वेश्चन से आंसर, आपको हर पॉइंट में मतलब मास्टरी होनी चाहिए। आप खुद से पूछो, थोड़ा टॉपिक पढ़ो बट उसको डिटेल में पढ़ो, अच्छा ऐसे हो जाएगा तो कैसे होगा, अगर क्वेश्चन ऐसे बन गया तो ऐसे बन गया, चीज़ें भूलती नहीं है। नेक्स्ट, 3 चैम्बर्ड हर्ट प्रेजेंट इन, तो 3 चैम्बर्ड हर्ट जो प्रेजेंट होता है वो आपका आता है किसमें, देखते हैं। देखो कॉकरोच में सबसे ज़्यादा चैम्बर्ड हर्ट होता है, 13 चैम्बर। व्हेल की बात करें ये मैमल्स में आती है, 4 चैम्बर। शार्क की बात करें फिशेस में आती है, 2 चैम्बर। तो फ्रॉग का आ जाता है 3 चैम्बर हर्ट। सो देख सकते हैं, देखो फिशेस का 2 चैम्बर हर्ट, एम्फीबियंस का ये इकट्ठा है 3 चैम्बर हर्ट, रेप्टाइल्स का 3 चैम्बर हर्ट होता है बट एक्सेप्ट क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल का 4 चैम्बर हर्ट होता है। बर्ड्स जिसमें कि एवीज में आते हैं, तो इसका भी देखो एग्जांपल से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या कोई डायरेक्ट आपको फाइलम से नाम से क्वेश्चन, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, इनसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो कैसे भी क्वेश्चन होते हैं। मैमल्स का भी 4 चैम्बर। नेक्स्ट, मिट्रल वेल्व कहाँ पे प्रेजेंट होती है, पिक्चर में देखते हैं। देखो ये है आपकी हर्ट, तो हमसे पूछा है मिट्रल वेल्व्स,
तो मिट्रल वेव्स जो आती हैं वो आती हैं आपकी, देखो ये है राइट साइड, ये है लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड जो ऊपर से ब्लड आता है नीचे को, तो वहाँ पे होती है मिट्रल वेल, बाइकस्पिड वेल, ठीक है, एक ही डिवीज़न है बाइकस्पिड वेल। वही बात करें हम कि ये तो आ गई बाइकस्पिड वेल, अगर वही बात करें हम ट्राइकस्पिड वेल, तो ये होती है राइट साइड को, जहाँ पे डी ऑक्सीजन ब्लड आता है। ये तो ब्लड नीचे को पहुँचा रही है, बाकी जो लंग्स के थ्रू पहुँचा, लंग पे पहुँचा रही है, वो आती है पल्मोनरी वेल्व, वहीं पे ये बॉडी में पहुँचाती है तो आर्टिक वेल्व। तो ये नाम से ही है, पल्मोनरी वेन का नाम है, ये आपका किसका नाम है, आर्टरीज का नाम है। सो ये आता है, तो ऑप्शन मिट्रल वेल्व कहाँ प्रेजेंट होती है, लेफ्ट साइड। ओके, तो ऑप्शन हमारा हो जाता है बी करेक्ट, और इसे हम कैसे बोलते हैं, बाइकस्पिड वेल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें, पेस सेटर ऑफ ए हार्ट, तो पेस सेटर हम किसे बोलते हैं। सो हार्ट देखेंगे, देखो ऊपर है ये सबसे ऊपर, जो सबसे पहले पहले चीज़ तो होगी, तो ऐसे नोड आता है तो पेस मेकर, और एवी नोड आता है पेस सेटर, फिर आती है बंडल्स, बंडल्स को हम बोलते हैं एवी बंडल्स या बंडल ऑफ ए हिस, और उसके बाद ये छोटी 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 आगे ब्रांचेस हैं, इसे हम पुरकिंजे फाइबर बोलते हैं। इनमें चेंजेस की वजह से ही ईसीजी जो है उसका पैटर्न चेंज होता है। नेक्स्ट की बात करें साउंड ऑफ हर्ट, तो हर्ट की साउंड होती है वो होती है लब डब, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आ जाता है। नेक्स्ट ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, इसका मतलब ये है कि अगर किसी, मतलब जब हम किसी किसी की बात कर रहे हैं, हम ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं, तो ओपन मतलब अब मतलब हर्ट भी है तो उसमें पूरा फ्लो हो रहा है चीज़ें, मतलब उसमें जैसे कि ना टैंक है पानी का, पानी के टैंक में पाइपें लगी हुई हैं हर घर को ताकि पूरा सप्लाई हो सके, पर वहाँ पर पाइपें नहीं लगी हैं प्रॉपर वे से, तो वो किस में होता है, इनसेक्ट में, ओपन है, क्लोज नहीं है, पूरा सिस्टम नहीं बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, डॉक्टर यूज स्टेथोस्कोप टू हियर ए साउंड प्रोड्यूसिंग ड्यूरिंग कार्डिक साइकिल, तो कार्डिक साइकिल के टाइम क्या करता है, हर्ट साउंड सुनता है, तो जो स्टेथोस्कोप मतलब डॉक्टर सुनते हैं साउंड, वो किसकी वजह से सुनते हैं, तो जो डॉक्टर, देखो आप देख सकते हैं ये होती है हर्ट की साउंड, ठीक है, तो ये सिगमेंट बनता है, तो उसकी साउंड को सुन के डॉक्टर अंदाजा लगाते हैं कि कोई प्रॉब्लम है या नहीं, तो वो आ जाएगा आपका आंसर, ऐसे क्लोज डाउन आफ्टर द ब्लड फ्लो इनटू ए वेसल फ्रॉम ए वेंट्रिकल, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ब्लड प्रेशर ऑफ ए न्यू बॉर्न बेबी, तो ब्लड प्रेशर बनता है सिस्टोल एंड डायस्टोल। सिस्टोल, सिस्टोल में ऊपर को जा रहा है, मतलब जब नीचे को जा रही है ना कोई भी चीज़, तो क्या होता है, मतलब बिल्कुल फ्लो हो रहा है, कोई मतलब ज़्यादा एनर्जी नहीं लगी, पर जब आप चढ़ाई चढ़ रहे हो तो एनर्जी ज़्यादा लगती है, तो तब ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा, तो जब ऊपर को ब्लड जा रहा है तो सिस्टोल, अब जब नीचे को हर्ट में ब्लड आ रहा है तो डायस्टोल, तो सिस्टोल एंड डायस्टोल को हम काउंट करते हैं, पहले सिस्टोल फिर डायस्टोल। तो न्यू बॉर्न बेबी का देखें, तो न्यू बॉर्न बेबी का देखते हैं, देखो 180 और 120 तो आ जाता है उन पर्सन का जिनको हाई बीपी की प्रॉब्लम होती है, 150 टू 90 आ जाएगा ओल्ड पीपल्स को, 120 टू 80 आ जाएगा यंग एडल्ट्स का, और बच्चे का आता है 90 टू 55, तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा ए करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्ट प्रेजेंट ऑन द राइट साइड ऑफ ए मैन, तो उस प्रॉब्लम को क्या बोलेंगे, देखिए ट्रैकीकार्डिया, ट्रैकीकार्डिया में होता है फास्टर हर्ट बीट हो जाती है, जब एक्सरसाइज करते हैं ना ज़्यादा फटाफट सांस लेते, तो वो टैकीकार्डिया। ब्रैंकीकार्डिया होता है स्लो हर्ट रेट, हर्ट रेट आपका स्लो हो जाएगा। मायोकार्डिया, हर्ट अटैक, ठीक है, और डेक्स्ट्रोकार्डिया में आता है हर्ट जब दूसरी साइड को प्रेजेंट है।
चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, डिपोजिशन ऑफ ए फैटी एसिड इन ए हार्ट, तो उसे हम क्या बोलेंगे, देखते हैं वन बाय वन। तो देखिए, एट्रियल फिब्रिलेशन, इसमें हो जाता है हार्ट जो रिदम होता है वो डिस्टर्बेंस हो जाता है, क्योंकि मिट्रल वेल्व, और मिट्रल वेल्व कहाँ होती है, लेफ्ट साइड को, तो जो उसके रिदम में फ़र्क आ जाता है उसके वो किस वजह से आता है, एट्रियल फिब्रिलेशन। वहीं हम बात करें आर्थरियोस्क्लेरोसिस, कैल्शियम डिपॉजिट हो जाएगा, फिर एथेरोस्क्लेरोसिस, फैटी एसिड। व्हाट अबाउट एंजीना, एंजीना आता है डिक्रीज ब्लड और ऑक्सीजन सप्लाई टू हार्ट मसल, ऑप्शन बी करेक्ट। नेक्स्ट, ऑरिकल सिस्टोल कार्डिक साइकिल, ऑरिकल सिस्टोल कितना होता है, या एट्रियल सिस्टोल बोलते हैं हम, देखते हैं। देखो, ये हार्ट साउंड प्रोड्यूस करता है, सिस्टोल मैंने बताया था प्रेशर जब ज़्यादा पड़ता है, तो जब इधर जा रहा है ब्लड तो प्रेशर ज़्यादा पड़ रहा है, तो ये कितने टाइम का रहता है, ये क्वेश्चन पूछा है। फिर ये आता है, देखो देख सकते हैं 0.1 सेकंड का। वहीं जब नेक्स्ट आता है आपका 0.3 सेकंड, इसमें क्या रहता है, इसमें आपका क्या होता है, वेंट्रिकल सिस्टोल होता है, ठीक है। वेंट्रिकल सिस्टोल मतलब वेंट्रिकल की तरफ से एवी जो वेल्व्स है वो क्लोज होती है, ठीक है, ये 0.3 सेकंड का। वही बात करें हम नेक्स्ट की, जो कार्डिक डायस्टोल आता है, डायस्टोल में आपको पता है ब्लड पहुंचता है नीचे, तो ब्लड जब नीचे पहुंचता है तो हम उसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, 0.4 सेकंड का टाइम लगता है। देखो, ऊपर जब यहाँ जा रहा है तो ये आ गया सिस्टोल, यहाँ पे है ऊपर ऊपर तो ये भी सिस्टोल आता है, पर वेंट्रिकल सिस्टोल आता है। वही बात करें डायस्टोल, तो डायस्टोल में नीचे को आता है ब्लड, तो वो 0.4 सेकंड का आता है। तो देखिए 0.1, 0.3, 0.4, तो टोटल हो गया 0.8, तो टोटल कार्डिक साइकिल आ जाता है 0.8 का। तो देखो, चार क्वेश्चन हुए ना कंप्लीट, पिक्चर देखी, पिक्चर के थ्रू आपको माइंड में बैठ गई होगी बात कि कहाँ पे है, तभी मैं फोकस करती हूँ कि हमेशा पिक्चर के थ्रू ही पढ़ो। ऑरिकल सिस्टोल कार्डिक साइकिल ये बन गया 0.1 सेकंड। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ईसीजी नेगेटिव वे, तो ईसीजी यूज होती है मेनली मेजर करने के लिए कि कितना प्रेशर रहता है, मतलब कितना सिस्टम से सब कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो देखोगे ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, पांच वेव्स आती हैं, PQRST, पी आती है पॉजिटिव वे, इंडिकेट करेगी इम्पल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। फिर आती है क्यू नीचे, तो क्यू एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन को शो करती है। आर जो अगर हम बात करें QRS वेव की, तो इंडिकेट करती है कॉन्ट्रैक्शन AV नोड की। फिर आती है RS, RS वेव क्या करती है, ST इंटरवल रिप्रेजेंट करती है। T की बात करें, रिलैक्सेशन वेंट्रिकल शो करती है। अब देखो, ये जो ऊपर ऊपर वाली वेव्स है ये आती है पॉजिटिव, लाइक PRT, PRT क्या है, पॉजिटिव वेव, और नीचे की क्या आ गई, क्यू और एस, नेगेटिव वेव्स। तो हमसे पूछा है तो कौन सी आती है, देखो हमने देखा PRT क्या आती है, पॉजिटिव वेव, ठीक है, तो क्यू आती है नेगेटिव वेव। तो ये चीज़ याद रखना। इसके साथ हो गए आपके 400 क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट आता है किसी से भी रिलेटेड, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप मेरे को बता दीजिएगा, ताकि कोई भी चीज़ है मैं उसको क्लियर कर सकूं। बाकी मैंने आपको बताया था कि हमारा ऑनलाइन बैच चला हुआ है HP Tech मेडिकल का, तो किसी को भी ज्वाइन करना हो तो नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं कल। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक शेयर हमें मोटिवेट करते हैं और बेटर व्यायाम करने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ साथ बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि आपकी कोई भी वीडियो मिस ना हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।